आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडिनर्जिक ड्रग्स, ओके, या इनको बोलेंगे सिंपेथो माइमेटिक ड्रग। माइमेटिक मीन्स मेमिक, सिंपेथेटिक सिस्टम के ड्रग हैं, सो इनको बोलेंगे एडिनर्जिक ड्रग। क्यों? क्योंकि मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो था वो था नॉर एडिनर्जिक, इसलिए इनको बोल रहे हैं एडिनर्जिक ड्रग्स। सो क्लासिफिकेशन देखते हैं आज एडिनर्जिक ड्रग्स का। एडिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को बेसिकली केडीटी ने क्या है, इन्होंने जो उसके फंक्शन है, जो सिंपेथेटिक सिस्टम के फंक्शन है ऑर्गन पे, उसके बेसिस पे उन्होंने बांट दिया गया है। सो इसको टोटल 7 टाइप से बांटा गया है। प्रेशर एजेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट, ब्रोंकोडायलेटर, नेजल डीकंजेस्टेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, एनोरेक्टिस और यूटेरा रिलैक्सेंट। ओके, सो फाइव है, सेवन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो फाइव टाइप के बांटे। अब बहुत सारे ड्रग्स तुमको दिख रही हैं, तुम्हें लग रहा होगा यार इतनी सारी ड्रग्स देख के तो कोई भी डर जाएगा ना, कैसे याद करें, क्या होगा। सो बस मैं हूँ ना इसके लिए, याद कराने के लिए। ये वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड होने के पहले पहले आप पूरी सारी ड्रग्स आसानी से याद कर लोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एजेंट की बात करें तो नाम में ही समझ में आ रहा है कि प्रेशर को एजेंट है, तो प्रेशर को बढ़ा देगा, यानी कि बीपी को बढ़ाने वाले। और सिंपेथेटिक सिस्टम का काम क्या था, बीपी को बढ़ाता था, हार्ट रेट, बीपी, कंडक्शन सबको बढ़ाता था। सो बीपी को बढ़ा देंगे ये वाली ड्रग्स। सो ड्रग्स के नाम देख लेते हैं। नॉरएडिनाल जो कि एडिनर्जिक ड्रग्स है, जिसकी मेन ड्रग है, इसके नाम में लिखा है नॉरएडिनाल। एफेंड्रिन, डोपामिन, फिनाइलफेरिन, मिथॉक्सामाइन और मेफेंड्रामाइन। ओके, सो ये ड्रग्स हैं। इनको याद कैसे करें, इनकी ड्रग है पीएम एंड। किसी भी कंट्री का अगर पीएम का एंड हो गया, यानी कि पीएम की अगर डेथ हो गई, तो उस कंट्री पे प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, सो कंट्री पे प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि पीएम की एकदम से डेथ हो जाए अगर, तो कंट्री पे प्रेशर बढ़ जाएगा। सो बस इसकी ट्रिक है पीएम एंड। पी फोर फिनाइलफेरिन, एम फोर मिथॉक्सामाइन और मेफेंड्रामाइन, ई फोर एफेंड्रिन, एन फोर नॉरएडिनाल, डी फोर डोपामिन। जो तीन जो लास्ट है ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इनको ये तो भूलना ही नहीं है कभी भी, है ना। डोपामिन और नॉरएडिनाल को कभी नहीं भूलना है। ओके, ये एडिनर्जिक ड्रग्स हैं। अब बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर की। ब्रोंकोडायलेटर हम जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें जब हम अस्थमा पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, यही ड्रग्स आएंगे उसमें भी। ओके, सो आइसोप्रिनालिन, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, साल्मेट्रोल, फोरमेट्रोल। जो ये फोर ड्रग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बिकॉज ये ड्रग ऑफ च्वाइस हैं। दोनों ड्रग्स जो ऊपर की हैं ना, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, ये ड्रग ऑफ च्वाइस हैं अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में। ओके, और साल्मेट्रोल, फोरमेट्रोल उसके प्रोफाइलेक्सिस में यूज होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाके याद कर लेंगे। अभी अगर याद नहीं हो कोई बात नहीं, पर एक बार पढ़ना है। सिंपल ड्रग्स के नाम है साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, साल्मेट्रोल, फोरमेट्रोल, याद हो जाएंगे। तीसरा है इसमें कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक यानी कि जो हार्ट को स्टिमुलेट करें। हार्ट को स्टिमुलेट करके क्या करेंगे, कंडक्शन बढ़ा देंगे, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, ओके, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ा देंगे। सो इसमें एड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन एंड डोपामाइन। इसको कैसे याद रखें, कोई भी जब हम स्पेशल ऐड देखते हैं, कोई भी टीवी में या मोबाइल में कोई ऐसा ऐड आ जाए जिससे हमारा दिल स्टिमुलेट हो जाए, हार्ट स्टिमुलेट हो जाए, सो उसको ऐड से याद करो। ए आई डी, ए फॉर एड्रेनालिन, आई फॉर आइसोप्रिनालिन, डी फॉर डोपामाइन, ये भी याद हो गए। बात करते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट की। नेजल डीकंजेस्टेंट क्या है, ये जनरली जब हमें कॉमन कोल्ड होता है या जुकाम वगैरह होता है ना, तो उसमें नाक बंद हो जाती है। ओके, सो उस नाक बंद को खोलने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको नेजल डीकंजेस्टेंट बोलते हैं। इसके लिए क्या है, ये ड्रग्स में कंपोजिशन में आती है, मतलब पैरासीटामोल वगैरह और सारे ड्रग्स के साथ ही मिली हुई होती हैं ड्रग्स। ओके, सो ये नेजल डीकंजेस्टेंट है। तो जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफोजोलिन, फिनाइलएफ्रिन, स्यूडो इफेंड्रिन। ओके, सो ये ड्रग्स हैं। इनको याद कैसे करें, बहुत सिंपल है। कोई पेशेंट तुम्हारे पास आता है जिसको कॉमन कोल्ड है, उसकी नाक बंद है, बोलेगा डॉक्टर साहब मेरी नाक बंद है, इसको खोल दो, तो तुम बोलोगे कि जाए लो मजे लो, मतलब कि इस ड्रग को लो और मजे करो, मतलब सही हो जाओगे। जाइलो मेटाजोलिन, इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जाए लो मजे लो, जाइलो मेटाजोलिन। फिर उससे बोलोगे अब ऑक्सीजन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑक्सीजन लो मजे लो, ऑक्सीमेटाजोलिन। और नाक पे काम कर रही है, नेजल पे तो नेफाजोलिन। ओके, और अगर उसकी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब उसको अगर नाक खुल गई उसकी, तो वो आपका फैन हो जाएगा डॉक्टर का, सो पेशेंट फैन हो जाएगा, तो फिनाइल एप्रिन। वैसे भी फिनाइल एप्रिन यहाँ भी आ गई थी, सो यहाँ भी है। ओके, फिनाइल एप्रिन और स्यूडो इफेंड्रिन। ओके, ये याद होगी, सिंपल है। फिर बात करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट की। सीएनएस स्टिमुलेंट यानी कि जो ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट है। ओके, सो इनको कैसे याद करोगे, एम्फेटामिन, पहले ड्रग्स के नाम पढ़ लेते हैं, एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन, मेथ एम्फेटामिन और मिथाइल फेनिडेट। ओके, चार ही ड्रग्स हैं, एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन, मेथ एम्फेटामिन और मिथाइल फेनिडेट। इनको याद करने के कैसे करेंगे, सीएनएस को एम्फेसाइज कर रही है, सो इसकी ये ट्रिक है लास्ट में, एम्फेसाइज द ब्रेन, एम्फेसाइज द ब्रेन, यानी कि ब्रेन पर जोर लगा रही हैं, बल ब्रेन पर जोर
पड़ रहा है अगर स्टिमुलेट होगा तो, एम्फेसाइज द ब्रेन, तो एम्फेसाइज मतलब एम्फेटामिन, एम्फेसाइज से समझ में आ रहा है कि एम्फेटामिन, एम्फेटामिन। और ये जो दो ड्रग है उसी की ही डेराइवेटिव है, सो इनको याद करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। डेक्सा एम्फेटामिन यानी कि 10-एम्फेटामिन समझ लो, डेक्सा एम्फेटामिन और मेथएम्फेटामिन वही लिखा है, देखो एम्फेटामिन एम्फेटामाइन ओके, और मिथाइल फेनिडेट। उसके बाद एनोरेक्टिस को याद करना है, एनोरेक्टिस को भी सेम ही ट्रिक है, एम्फेसिस करेंगे इसको भी, जोर लगाएंगे ओके, यहाँ भी ब्रेन में भी जोर लगाना पड़ेगा और यहाँ भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एम्फेसिस से इसको भी याद कर सकते हैं, सो एम्फेसिस से एम्फेटामिन, पीएच को एफ लिख दो, फेन फ्लोरामिन और एस फोर सिबुट्रामिन ओके, सो ये भी याद हो जाए। लास्ट जो हमारी कैटेगरी वो यूटेराइन रिलैक्सेंट, यूटेराइन रिलैक्सेंट उसमें ड्रग्स हैं रेटोड्रिन, आइसो सुप्राइन, सालबुटामोल और टर्बुटालिन। इसको कैसे याद करें, सो देखो खुद ही समझो, अगर कोई टेंशन में है कुछ भी है उसको रिलैक्स होना है तो उससे बोलोगे कि यार तुम रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओगे, सो बस रेस्ट से ये याद हो जाएंगे तुमको। रेस्ट लिखना है, रेस्ट में ई की जगह आई लगा दो, सो रेस्ट इसकी ट्रक है, आर फोर रेटोड्रिन, आई फोर आइसो सीप्राइन आइसोक्सीप्राइन और एस फोर सालबुटामोल, टी फोर टर्बुटालिन। सो ये सारी ड्रग्स हैं, बहुत इजी है, लग रहा था शुरू में कि याद नहीं होगा पर ये बहुत सिंपल है अगर ऐसे पढ़ोगे तो। सो वीडियो अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। प्रेशर एजेंट में क्या आएगा, पीएम एंड, किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, एंड हो गया, उसका डेथ हो गई तो भैया उस कंट्री पे प्रेशर बढ़ जाएगा, सो पीएम एंड, तो पी फोर फिनाइलफेरिन, एम फोर मेथॉक्सामाइन मेफेंड्रामाइन, ई फोर एफेंड्रिन, एन फोर नॉरएड्रेनालिन, डी फोर डोपामाइन ओके। फिर वेसोडायलेटर ब्रोंकोडायलेटर की बात करते हैं, ये अपन वहाँ भी पढ़ेंगे, अस्थमा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे याद कर लेना, सालबुटामोल टर्बुटालिन सालमेटर फॉर्मेटर। कार्डियक स्टिमुलेंट कोई भी एक अच्छा स्पेशल एड देख लिया तुमने टीवी वगैरह पे, उससे याद कर सकते हैं, एआईडी, ए फॉर एड्रेनालिन, आइसोप्रिनोलिन, डोपामिन। सीएनएस को एम्फेसिस करना पड़ेगा, तभी सीएनएस स्टिमुलेट होगा तो एम्फेसाइज होगा, तो एम्फेसाइज द ब्रेन, तो एम्फेटामिन, डेक्स एम्फेटामिन, मेथ एम्फेटामिन, मिथाइल फेनिडेट ओके। नेजल डिकंजेस्टेंट में कोई तुम्हारे पास पेशेंट आता है तो उसकी नाक बंद है, उसको सही करना है तो अपन उसको एक ड्रग देंगे और बोलेंगे कि जाए लो मजे लो, जाए लो मेटाजोलिन, अब ऑक्सीजन लो मजे लो ऑक्सीमेटाजोलिन और नेफाजोलिन, यानी कि नाक पे काम कर रही है और वो तुम्हारा फैन हो जाएगा क्योंकि तुमने उसकी नाक खोल दी। सो फिर आ जाएगा एनोरेक्टिस, एनोरेक्टिस में भी एम्फेसाइज करेंगे, दम लगाएंगे ओके, तो इससे एम्फेसाइज, इससे भी पूरी ट्रक निकल आएगी। यूटेराइन रिलैक्सेंट में कोई किसी को रिलैक्स करना है तो उससे बोलेंगे भैया पहले रेस्ट करो, रिलैक्स अपने आप हो जाओगे, सो रेस्ट से कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उनके यूजेस के बारे में, जो नहीं भूलना है अपन को, इसमें समझ में आ रहा है जो भी ड्रग्स हैं बीपी को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एफेंड्रिन है ना उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है बिकॉज ये नॉन सेलेक्टिव है, मतलब सेलेक्टिविटी उतनी अच्छी है बहुत कम है और एफिकेसी भी इसकी कम है, सो ज़्यादा यूज भी नहीं करते ओके। डोपामिन की बात करें अगर, तो डोपामिन जब हम हाई डोज देंगे तभी ये कार्डियक आउटपुट और बीपी को बढ़ाएगा, लो डोज में ये नहीं बढ़ाएगा। हाई डोज में ये अल्फा को अगोनिस्ट है तो अल्फा को स्टिमुलेट करेगा और वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा अल्फा और ये बढ़ा देगा ओके, तभी करेगा। और डोपामिन का तुमने एक पार्किंसोनिज्म मतलब जो डिसीज होता है पार्किंसोनिज्म उसमें सुना होगा एल डोपा के बारे में, सो डोपामिन क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, सो इसके सीएनएस साइड इफेक्ट कोई नहीं होते हैं ओके। सो इसको एल डोपा बनाते हैं पहले, फिर इसको देते हैं, जब एल डोपा अंदर जाता है ब्रेन में एल डोपा से फिर डोपामिन बन जाता है और वो पार्किंसोनिज्म जो बीमारी है वो थोड़ी ठीक हो जाती है ओके। क्योंकि पार्किंसोनिज्म में क्या है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन हो जाता है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन यानी कि जो न्यूरॉन डोपामिन को रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है जा, तो वो उनका लॉस हो जाता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का, तो अगर डोपामिन बढ़ जाएगा ब्रेन में तो एल डोपा के फॉर्म में देते हैं क्योंकि डोपामिन ब्रेन ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। सो बस इतना ही जानना है इसके बारे में। ब्रोंकोडायलेटर में ये दोनों जो ड्रग्स हैं मैं पहले ही बता चुका, सालबुटामोल टर्बुटालिन ड्रग ऑफ चॉइस है, एक्यूटेटा को बस तो मैं कभी नहीं बोलना है, सालमेटर फॉर्मेटर उसके प्रोफाइलेक्सिस में यूज होती है ओके, कार्डियक स्टिमुलेंट। फिर है बात सीएनएस स्टिमुलेंट की, बात करें एम्फेटामिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एम्फेटामिन क्या है ये ड्रग ऑफ अब्यूज है, बहुत सारे ड्रग्स पढ़ोगे मैंने अभी इन दो ड्रग्स के बारे में बताया, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए सीओ अस्थमा के लिए, और मैं इसको बोल रहा हूं ड्रग ऑफ अब्यूज, ड्रग ऑफ अब्यूज ये है ड्रग ऑफ चॉइस, सो अंतर है, ये ड्रग ऑफ अब्यूज है, बहुत कम ड्रग होंगी जो ऐसे पढ़ोगे तुम जो ड्रग ऑफ अब्यूज, सो ये ड्रग ऑफ अब्यूज है एम्फेटामिन। मतलब इसका क्या है, ये क्या है कुछ जो होते हैं स्टूडेंट वगैरह वो लेते हैं आईवी वगैरह इसको ले लेते हैं और वो किसके लिए अलर्टनेस कंसंट्रेशन और यूफोरिया वगैरह के लिए ले लेते हैं वो,
और ये डोप टेस्ट में भी, जो डोप टेस्ट होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं कॉमनवेल्थ वगैरह में कोई डोप टेस्ट होता है, उसमें भी ये इस ड्रग्स को चेक किया जाता है कि कहीं ये ड्रग्स तो नहीं ले रखी है उसमें एम्फेटामिन, क्योंकि एम्फेटामिन क्या है, अलर्टनेस को बढ़ा देती है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, अटेंशन स्पान को बढ़ा देती है, स्लीप को कम कर देती है, यूफोरिया को बढ़ा देती है, वर्क कैपेसिटी को बढ़ा देती है। सो बहुत सारी, सो जो एथलीट्स होते हैं वो जनरली इसको लेते हैं, इसलिए उनको, उनके लिए डोप टेस्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि उन्होंने एम्फेटामिन तो नहीं ले रखी है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है एम्फेटामिन का, एक डिसीज होता है ADHD चाइल्ड में होता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। थोड़ा सा याद कर लो, यहाँ लिख देता हूँ ADHD, ये डिसीज होता है चाइल्ड में। ओके, ये क्या होता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट मतलब उसकी अटेंशन कम हो गया, सो ये एम्फेटामिन दे दो, एम्फेटामिन अटेंशन को बढ़ा देगी ब्रेन को स्टिमुलेट करके। ठीक है, बस इतना ही। और जो ये है वो एम्फेटामिन के ही डेराइवेटिव है, ठीक है ना, डेक्स एम्फेटामिन, मेथ एम्फेटामिन, सो इनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। फिर बात करते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट, रेटोड्रिन, आइसोक्सिप्रिड, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन। ओके, ये हो गया एनोट्रिन, सो सारा ये खत्म हो गया आज। बहुत सिंपल है, आराम से याद हो सकता है और पढ़ सकते हो। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही है।